अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और अपनी वीडियो से आगाज़ करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट अच्छे अच्छे कर देना। तो मैं अपनी वीडियोज़ का आगाज़ कर रही हूँ और वीडियो मैं आज बनाने लगी हूँ। आज मैं आपको ना शाम की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और बनाने लगी हूँ आलू और बलियाँ। तो मुझे बहुत पसंद है आलू और बलियाँ, मेरा दिल करता है डेली बनते रहे आलू बलियाँ, तो इस वजह से आज फिर मैं आलू और बलियाँ बनाने लगी हूँ। और मसाला वगैरह मैंने सारा कुछ रेडी कर लिया और मुझे याद आया अभी तक मैंने बलियाँ तो लेकर नहीं आई, तो इस वजह से ना मैं लेकर आती हूँ बलियाँ। और हरिया मिर्चा तो मिली नहीं थी, तो इस वजह से ना हरिया मिर्चा पता नहीं क्यों नहीं मिल रही आजकल। चलो कोई बात नहीं, अब मैं जाती हूँ जल्दी से बलियाँ लेकर आती हूँ, फिर आकर जल्दी से बना लूँ, क्योंकि कल भी गैस नहीं थी, फिर सिलेंडर ही इस्तेमाल करना पड़ा। तो मैं नहीं चलती कि डेली सिलेंडर ही इस्तेमाल करूँ, मैं तो गैस ख़त्म हो जाती तो इतनी महंगी गैस है, तो इस वजह से मैं सोच रही जल्दी से बना लेती। अभी टाइम हो गया है 5 बज चुके हैं, तो 6 बजे गैस चली जाती, तो इस वजह से ना मैं जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। चलो ठीक है, मैं इन्वर्टर ले लेती हूँ तो फिर हम चलते हैं। यहाँ से मैं पैसे भी पका लेती हूँ। जी फ्रेंड्स, मैंने इन्वर्टर ले लिया, अब मैं ना बैलगाड़ी छोड़कर जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आजकल ना चोरियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही है और चोरियाँ भी हो रही हैं, और दरअसल ना मोबाइल छीन कर भी ले जाती, और मैं इसका रीज़न बताऊंगी। एक कल हमारे यहाँ एक और वाक्य हुआ, वो मैं आपको ना आके बताऊँगी, तो मैं जल्दी से पहले ले आती हूँ। जी फ्रेंड्स, मैंने घी ऐड कर दिया और काफ़ी गर्म हो गया है। जी फ्रेंड्स, घी तो काफ़ी गर्म हो गया था और मैंने प्याज ऐड कर दिया। घी ना बाहर आना शुरू हो गया था, मतलब कि छिट्टे पड़ रही थे छींटे। और मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना लूँगी। आज मैंने बारीक बारीक कटिंग की है, क्योंकि फिर ऐसे ना बाहर नहीं लहसुन गिरता, जब मैं कूटती हूँ ना तो लहसुन बाहर गिर जाता है, तो इस वजह से आज मैंने पहले ही कटिंग कर ली इसकी। जी फ्रेंड्स, मैंने आलू भी साथ ही ऐड कर दिए थे, अब इसके साथ मैं टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दे। जी फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया और साथ टमाटर भी ऐड कर दिए, थोड़ा सा हल्का सा पानी भी ऐड कर दिया कि नीचे ना लगे। जी फ्रेंड्स, मैंने ना आधा अपने लिए ना टमाटर छोड़ दिया था, क्योंकि काफ़ी बड़ा था, तो इस वजह से मैंने आधा ही डाला है और आधा मैंने अपने लिए रख लिया, क्योंकि मुझे टमाटर बहुत ही पसंद है खाने में, खास करके थोड़े से कच्चे कच्चे होना तो ज़्यादा ही मज़ा आता है। इसमें मैंने नमक और काली मिर्च दोनों ऐड कर दिए। जी फ्रेंड्स, मैंने हल्दी और लाल मिर्च भी साथ ही ऐड कर दी थी। अब इसको अच्छी तरह मैं भून लूँगी मसाले को, तो फिर पानी ऐड कर दूँगी। जी फ्रेंड्स, मैंने पानी ऐड कर दिया और मैं अभी ये वाला मसाला भी ऐड कर दूँगी। जी फ्रेंड्स, मैंने चूल्हे पे सालन रख दिया और रेसिपी मैंने आपको साथ शेयर कर दिया। और मैं आपको जो जाते दफ़ा बोल के गई थी, कि जी फ्रेंड्स, मैंने 2 बार वीडियो स्टॉप किया, क्योंकि वो ना शोर आ रहा था, बारिश से पापड़ वाला आया ना, तो इस वजह से मैं नहीं चाहती जो वो गाना है, तो उसकी वजह से कपी स्ट्राइक। तो मैं आपको ये बता रही थी, मैं मोबाइल इसलिए नहीं लेकर गई, तो दो दिन नहीं, कल हमारे यहाँ क्या हुआ, ऐसी 2 लड़कियाँ जा रही थी और पास से 2 लड़के गुजरे बाइक पे, तो उन लोगों ने मोबाइल छीन कर ले गए, तो इस वजह से ना मुझे बहुत डर लगा, मैंने कहा मैं अपना मोबाइल नहीं लेकर जा सकती ऐसे। और दूसरा आजकल आपको जैसे पता है पाकिस्तान में गैंग आ चुकी है और बच्चों को, छोटों को, बड़ों को उठा के ले जा रहे। हम 8 नंबर गली में रहते हैं और हमसे 2 गलियाँ आगे ना 6 नंबर गली पर क्या हुआ, ऐसे ही औरत जा रही थी अपने बच्चों को स्कूल से लेने, शादीशुदा और उनके बच्चे भी थे 2, और स्कूल से लेने जा रही थी बच्चों को, और जैसे ही वो घर से निकली है, जैसे थोड़ा सा आगे गई होगी, तो वो उन लोगों ने ना उनको उठा लिया, बेहोश किया और ले गए, और बच्चे घर पहुंच गए।
तब तो घर वालों को तो यही था कि हमारी बहू या बीवी बेटी जो भी है वो बच्चों को लेने गई है। जैसे था रूल जो डेली वो जाती थी बच्चों को स्कूल छोड़ के भी आती थी, लेकर भी आती थी डेली की तरह। आज भी वो गई थी बच्चों को लेने गई थी और उसके रास्ते में उसके साथ इस तरह वाकया हो गया और तो उसको बेहोश किया और ले गए। तो बाद में बच्चे ना घर आ गए, जो उस टाइम होता है 1-1.5 बजे जो भी टाइम था बच्चे घर आ गए। तो उनके घर वालों ने पूछा होगा कि आपको मम्मा लेने गई थी वो कहाँ है। उन्होंने बोला कि हमें कोई मम्मा नहीं आज लेने आई, हम वेट करते रहे, हम घर आ गए। तो बाद में पता चला कि गैंग आई थी, काफ़ी लोग यहाँ फिर रहे हैं और उसने बेहोश किया औरत को और ले गए। तो तब से मुझे भी बहुत, कल से ना हमारी गली में 2 औरतें पहले भी पकड़ी गई है और 7 नंबर गली में 3 औरतें पकड़ी गई। उनको चंगा उन लोगों ने धोया, महल्लों वालों ने काफ़ी उनको मारा कूटा और फिर वो ना वास्ते कर रही थी, अल्लाह का वास्ता मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, ये हो गया, मुझे नहीं पता था, ये था वो था जो भी था, वैसे माफ़ी मांगना शुरू कर दी। तुम्हें पता हर किसी का अपना बच्चा जान से भी प्यारा होता है, और जिसका भी बच्चा था या जो भी उठा रही थी वो तो बच्चों की किस्मत चंगी थी कि वो जैसे पकड़ने लगे तो बच्चों ने जैसे शोर किया, जो भी था महल्ले वालों को पता चल गया तो फड़े गए। तो इस वजह से हम भी बहुत एहतियात कर रहे हैं, तो खुदा रहा आप भी थोड़ा सा एहतियात करें, बच्चों को अगर स्कूल लेकर जाते हैं खुद जाएं और लेकर भी खुद आएं। आजकल तो बच्चों को छोड़ के बड़ों को भी पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पे फैसलाबाद में काफ़ी हद तक ना ख़राब हो गया। तो अब मुझे भी कल पता चला था, तब तो मैं सब्जी ले आई थी और शाम को ये वाकया हुआ था, तो तब से मुझे भी बहुत डर लग रहा है। और मैंने सोचा कि मैं सब्ज़ी लेकर आऊँगी दूर से, मैं पहले जाती थी दूर 10 मिनट दूर के सड़क पे जाती थी, मेन सड़क क्रॉस करके फिर साथ में थी। तो मैंने सोचा एक गली में जो भी बेचने आएगा सब्ज़ी मैं उससे ले लूँगी, मैं नहीं दूर जाया करूँगी। और हमारे यहाँ मैं बलियाँ लेने गई वो तो हमारे घर के पास ही है, तो इस वजह से मैं पास ही गई हूँ। तो अब मैं अपनी कज़न की तरह भी अकेली नहीं जाऊँगी, अगर जाऊँगी मैं किसी के साथ जाऊँगी, अकेले जाने का तो रिस्क ही नहीं पैदा होता। तो इस वजह से आप भी अपने बच्चों को समझाएं और घर में ही रखें जितना हो सके, कहीं भी जाएं आप खुद लेकर जाएं, ट्यूशन हो स्कूल हो कहीं भी जाना हो बच्चों के साथ आप ज़रूर जाइएगा, और मेरी तो आपसे यही दरख्वास्त है। तो जब उन लोगों ने रिपोर्ट वगैरह पुलिस को करवा दिया कि हमारी ऐसे औरत को गैंग आई पकड़ के ले गई, अब वो कहाँ की कहाँ गैंग गई होगी। एक बकायदा एक गैंग पकड़ भी गई है, जो मैंने बताया था पुलिस ने उनको पकड़ भी लिया है और महल्ले वालों ने तो काफ़ी उनकी खातिरदारी भी की है। तो उन लोगों ने 2 औरतें थी अच्छी खासी बड़ी, और औरतों का ये है कि पता नहीं चलता ये इसकी माँ या बेटी या बहन है, अगर मर्द कोई ऐसे पकड़े तो पता चल जाता है। और अब किसी औरत पे शक भी नहीं कोई इंसान कर सकता, ओके हम समझे इसकी बहन है या बेटी है या दादी है, इसी तरह ना कोई पकड़ता नहीं है। अगर पकड़ा जाए तो उसको हमारी आवाम छोड़ती नहीं है, आपको पता ही है। वो पुलिस आ गई, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया 15 पे, जिस तरह से वो पुलिस आई और पकड़ के ले गया, अगर वो पुलिस ना आती आधा घंटा तो उन लोगों ने वैसे उनको ना ख़त्म कर देना जितने। और हम तो बहुत एहतियात कर रहे हैं, और एक तो ये ना ख़ास करके सैलाब की वजह से ऐसे हो रहा है, कहीं कहीं जगह पे ऐसे हो रहा है। तो आप अपने बच्चों को संभाल कर रखें जितना हो सके, कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त आया अल्लाह इस वक्त को भी आसान कर दे, और जो ऐसे कर रहे हैं अल्लाह उनको हदायत दे, हम तो कुछ नहीं कह सकते। और जितना हो सके आप बचाएं, मेरी यही थी, इसी वजह से मैं अपना मोबाइल अब बाहर नहीं लेकर जाया करूँगी, क्योंकि वीडियो के चक्करों में ये मेरा मोबाइल है, तो ये ना हो कि ये मोबाइल भी मेरा जाता रहे। तो इसी वजह से चलो मैंने आप लोगों को अपडेट दे दी थी फैसलाबाद की, ये है अपडेट। और आप भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों के पास भी ऐसा कोई वाकया हुआ तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि नॉलेज हो जाती इंसान को, पता भी चल जाता है। वैसे भी आजकल यूट्यूब पे भी, खबरों पे भी, टीवी पे, टिकटॉक पे, हर जगह पे काफ़ी गैंग पकड़ी भी गई है, पता नहीं यहाँ से कहाँ से गैंग आ जाती, इतनी पुलिस ने पकड़ी भी है
फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। अल्लाह ही हिदायत दे इन लोगों को। फ्रेंड्स मैंने बल्लियाँ ऐड कर दी है और इसको अभी 2 से 3 मिनट तक ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। जी फ्रेंड्स इसमें मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया और सालन बिल्कुल रेडी हो गया। इसको मैं हिला लेती हूँ और फिर धनिया ऐड करके ना तो दम पे दे दूँगी। जी फ्रेंड्स मैंने धनिया भी ऐड कर दिया है और अब मैंने आंच बिल्कुल कम कर दी है तो घी अच्छी तरह से ऊपर आ जाएगा, तो फिर हम चूल्हा ऑफ कर देंगे। तब तक मैं आटा भी गूंद लेती हूँ। जी फ्रेंड्स मैं अपनी वीडियोस को यहीं एंड कर दिया। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक कर देना, तो शेयर भी कर देना। चलो मैं अपनी वीडियोस को यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि सारे काम वगैरह हो गए, सालन भी हो गया, आटा भी मैंने गूंद लिया, तो टाइम भी काफ़ी हो गया। फिर वीडियोज़ को एडिटिंग भी करनी है, अपलोड भी करना है, टाइम हो। कल इस वजह से मेरी लेट वीडियोज़ आई थी। ओके फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय, दुआ में याद रखिए, बाय।